और एक और बड़ी खबर उस बीच आ रही है, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव 10 दिसंबर को होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रिटायर्ड जस्टिस एलन राव ने अपना कार्य पूरा किया है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें। और हमारी सहयोगी मीनाक्षी भांजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई और ज्यादा अपडेट लेकर। मीनाक्षी, एक तारीख दे दी है 10 दिसंबर को, उसी में भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव की बात कही गई है कोर्ट द्वारा, और क्या कुछ अपडेट है मीनाक्षी? जी श्वेता, बिल्कुल सही कहा आपने। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ में आज ये बात भी साफ कर दी है कि पूरे भारतवर्ष के कोई और अदालत इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही करेगा। अगर कोई किसी को किसी प्रकार की ग्रीवांस हो या शिकायत हो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर्स को या स्टेट एसोसिएशन को, जो भी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं उनको लेकर, तो किसी और अदालत का दरवाजा वो नहीं खटखटा सकते, केवल सुप्रीम कोर्ट ही इस पूरे मामले में जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो जैसे आपने सही फरमाया, देखिए रिटायर्ड जस्टिस एलन राव को सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूशन के को प्रपोज करने के लिए, तो वो जो कार्य है वो पूरा हो गया है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आईओए की जो इलेक्शंस हैं वो 10 दिसंबर को होंगे, और साथ ही कोई और शिकायत इस मामले को लेकर आए, अमेंडमेंट्स को लेकर किसी भी पार्टी यानी कि जो स्टेट एसोसिएशन है, ये कोई और सदस्य हैं, कोई भी शिकायत किसी प्रकार की कोई और अदालत भारत की एंटरटेन नहीं करेगी, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में विचाराधीन रहेगा। शुक्रिया मीनाक्षी तमाम जानकारी के लिए। और एक और